इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन, साइलेंट फीचर और कैसे हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसपी, एसपी टू, एसपी थ्री, एसपी थ्री डी एंड एसपी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट एग्जाम्पल्स और कैसे एस ऑर्बिटल इंटरमिक्स विथ वन पी ऑर्बिटल टू फॉर्म टू एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हमने इनिशियल डिस्कस किया था कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, इंटरमिक्स होंगी, उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगी। तो अगर वन एस एंड वन पी इज इन्वॉल्विंग देन टू एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्मिंग। सो इफ वी डिस्कस वॉट इज द एस करेक्टर और पी करेक्टर इन दिस हाइब्रिडाइजेशन, सो इफ एस पी इज 100% देन एस करेक्टर हेयर इज 50% एस करेक्टर इज प्रेजेंट एंड 50% पी करेक्टर इज प्रेजेंट, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एस ऑर्बिटल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पी ऑर्बिटल। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एज वी नो देर आर डिफरेंट एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, सो we take internuclear axis as a z-axis, so जो internuclear axis है वो हम z-axis मान के चलते हैं जो कि s orbital की होती है। similarly s p के साथ head-on overlap कब करेगा, when p is along the internuclear axis, that is along z-axis, meaning it overlap out of three p orbitals, it overlap with the z PZ. So in case of sp hybridization, s orbital and p orbital is the pz orbital. ये पॉइंट अभी आपको जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्यों कहा कि s pz से कंबाइन करता है। So example here is BeCl2 which is sp hybridization. So we will discuss how it form and sp hybridization. So beryllium atomic number 4, तो electronic configuration is 1s2 2s2 2p orbital इसकी empty होंगी, involved नहीं है, ठीक है। तो ये ground state होगी। तो जब भी आपको hybridization लिखनी है सबसे पहले आपको ground state की electronic configuration लिखनी होगी। Now these two orbital involve in hybridization, so one electron jump from s orbital to p orbital. So now in the excited state configuration हो जाएगी 1s2, 2s1, 2pz, 2px, 2py, 1, ठीक है। इसी को अगर बॉक्स फॉर्म में मैं अगर लिखूं तो s में दो इलेक्ट्रॉन है 2s2, वेयर एस पी ऑर्बिटल इज कंप्लीटली एम्प्टी। So when we excite the electron, it will just like this, ये एक representation हो जाएगा box form में, तो electron इस तरह से jump कर गया। Now similar formation can form BeH2, चाहे हम BeCl2 का example कर रहे हैं discuss या BeH2, same representation होगी कि पहले आपको ground state लिखनी है फिर excited state। Now in case of Cl, now तो Cl Cl having atomic number 17, electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So in this case, one partially filled p orbital is there in case of 3p5. 1, 2, 3, 4, 5. Another Cl, because in this case 2 Cl is there. So again, 1s2, 2s2, 2p6, 3p5, meaning 1 p orbital with partial filled electron is there. So now this partial filled will overlap this partial filled s orbital to form the bond, aur ye wali orbital iske sath combine kar sakti hai. So ye sp and sp हाइब्रिडाइज विद वन ऑफ द पी एंड पी। अब यहां पे मैंने ये जेड क्यों लिया था, जेड इसलिए लिया क्योंकि हम जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं
और यहाँ पे भी पी जेड ही एम्प्टी है, तो पी जेड विल इजिली कंबाइन विद पी जेड. सो नाउ बी ई सी एल टू विल फॉर्म, हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये लीनियर शेप लेगा. वाई टेक अ लीनियर शेप? बिकॉज टू एटम के साथ जो सबसे कम रिपल्शन होता है वो लीनियर अरेंजमेंट में होता है. सो वी कैन से ईच एसपी ऑर्बिटल, ईच एसपी ऑर्बिटल कंबाइन एक्चुअली विद द पी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन. एसपी ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइज हुई एसपी ऑर्बिटल थी, वो कंबाइन होगी किसके साथ? पी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म वन सिंगल बी सी एल सिग्मा बॉन्ड. ये बी ई सी एल का सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज ऑल्सो बी ई सी एल का, तो टोटली दो बी ई सी एल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे. सो टू बी ई सी एल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड इन दिस केस. नाउ बेसिक एग्जाम्पल इज बी ई एच टू बेरीलियम. तो सबसे पहले जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं हम सेंटर एटम की, सेंटर एटम वो एटम होता है जिससे बाकी एटम ज्वाइन होते हैं. तो यहाँ पे अगर बी ई एच टू है तो एच बी ई से ज्वाइन है और एक और एच बी ई से ज्वाइन है, तो बी ई सेंटर एटम हुआ. तो अब हम सबसे पहले इसकी ग्राउंड स्टेट लिखेंगे. ग्राउंड स्टेट का मतलब है जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. तो इट इज़ 1s2, 2s2. हाइब्रिडाइजेशन के साइलेंट फीचर में हमने रूल किया था कि हमेशा हाइब्रिडाइजेशन सेम एनर्जी लेवल में होगी. तो इफ़ इट 2s तो 2p ऑर्बिटल इसके साथ है एडजेसेंट हैविंग द सिमिलर एनर्जी. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप इन टू दिस वन, 2s2 था तो एक इसमें चला जाएगा. तो जो ये ग्राउंड स्टेट है, अब अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखें तो इट विल बी 1s2, 2s1, 2p1. अगर मैं बॉक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये हुआ 2s1 और ये हुआ 2p1. तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ये दोनों मिलके बन जाएंगी 2sp ऑर्बिटल. तो दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो कितनी ऑर्बिटल है? एक s की एक p की. तो हाइब्रिड होके दो ऑर्बिटल बनी. वही एक साइलेंट फीचर था कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिट बनेंगी. तो फॉर एग्जांपल अगर एक s और एक p कंबाइन हो रहा है तो वो कंबाइन होके कितना बना रहा है? दो sp ऑर्बिटल बना रहा है. तो दो एटॉमिक ऑर्बिट थी जिनसे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने. अब ये तो हो गया सेंटर एटम की हाइब्रिडाइजेशन. अब वो कंबाइन किससे करेगी? दूसरे एटम से. तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? एटॉमिक नंबर वन है तो 1s1, मीनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. ये एक सिंगल हाइड्रोजन के लिए हुआ. सिमिलरली सेकेंड हाइड्रोजन के लिए भी 1s1 हुआ. अब ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड शेयरिंग ऑफ, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एक इलेक्ट्रॉन इसका या एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो आपस में शेयर होके बॉन्ड बना. सिमिलरली दिस बॉन्ड शेयरिंग. सो नाउ बी ई विल फॉर्म टू सिग्मा बॉन्ड, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड विद वन हाइड्रोजन एंड द अदर हाइड्रोजन. और अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करें तो हाइब्रिड ऑर्बिट जो एस और पी होता है जैसे, तो ये कंबाइन होके इस टाइप का बनाएगा. एक बिगर लोप होता है उसमें और एक स्मॉलर लोप होता है एस पी ऑर्बिटल्स. तो जब हम बी ई की बात कर रहे हैं तो दिस वन इज अ बिगर एंड द स्मॉलर, बिगर एंड द स्मॉलर. तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए. कौन से? एस पी एंड एस पी, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गई. अब एक हाइड्रोजन के साथ इधर बाउंड हुआ एच, दूसरे हाइड्रोजन के साथ इधर बाउंड हुआ एच. ये ओवरलैपिंग है, ठीक है. और जो सेंटर में आएगा वो बेरिलियम. ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए कि आपको समझ आ जाए कि कैसे लीनियर स्ट्रक्चर होता है इन केस ऑफ एस पी. सो इट इज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले क्या लिखना है हमने? एटम. एटम की क्या लिखनी है? ग्राउंड स्टेट. फिर हमने क्या लिखना है? एक्साइटेड स्टेट. अब एक्साइटेड स्टेट में जब वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, फिर वो कंबाइनिंग एटम के साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करके वो क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड. और कौन सी शेप देगा? जिसमें मिनिमम रिपल्शन हो, क्योंकि दो बॉन्ड बन रहे हैं तो दो बॉन्ड, जैसे हम ए बी टू की बात करते थे तो ए बी टू में कैसे अरेंजमेंट होती थी? इट इज ऑलवेज अ लीनियर अरेंजमेंट वेयर एंगल इज 180 डिग्री. फर्स्ट टाइम में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मेरी कोशिश यही है कि आपको समझ आ गया हो. नहीं तो आप कॉपी में एक बारी इसको लिख के करें, खुद से एग्जांपल लें
जैसे मैंने BeH2 का किया, आप इसी को BeCl2 के साथ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे और एग्जांपल हम लेते जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के, आपको आगे समझ आता जाएगा। नाउ फॉर एग्जांपल sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है, वन s ऑर्बिटल एंड टू p ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, सो हाइब्रिडाइजेशन, दे फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो एग्जाम्पल इज द BeCl3। सो अगेन यहाँ पे सेंटर एटम कौन सा हुआ, बोरोन हुआ, तो सबसे पहले हम इसकी क्या लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट। सो इन केस ऑफ बोरोन एटॉमिक नंबर 5, तो ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। सो दिस वन इज अ ग्राउंड स्टेट। अब अगर हमें इसी की एक्साइटेड स्टेट लिखनी है, ग्राउंड स्टेट अगर बॉक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है, तो इट इज जस्ट लाइक लिक्स 2s2 एंड 2p1। अब अगर हमें इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखनी है, देन इट विल बी, सो नाउ द एक्साइटेड स्टेट विल बी 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, एंड इट बॉक्स रिप्रेजेंटेशन ईच ऑर्बिटल कंटेन वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली p ऑल्सो कंटेन वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, सो नाउ 3sp2 ऑर्बिटल्स आर देयर, दिस वन इज 1sp2 ऑर्बिटल, सेकेंड sp2 ऑर्बिटल एंड 3sp2 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी। नाउ दे विल कंबाइन विद 3cl, ईच cl हैज 1p ऑर्बिटल एम्प्टी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, मीनिंग p में एक इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड है, एक p5 को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है जो कंबाइन करेगी दिस सिंगली फिल्ड के साथ, तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी। तो ऐसे कितने cl कंबाइन करेंगे, 3cl, तो 1, 2, 3 तीनों ही कंबाइन करके अपनी ऑर्बिटल्स को कंप्लीट करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सो वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, ईच हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कंबाइन विद 1cl, 1 more cl एंड 1 more cl एंड कंप्लीट इट्स ऑर्बिट एंड फॉर्म 3 bonds। सो वी रिप्रेजेंट दीज 3 bond लाइक दिस, दैट इज द ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। और अगर हम इसे हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो अभी मैंने आपको बताया था कि पी ऑर्बिटल जब बनाती है तो एक बिगर लोप और एक स्मॉलर, बिगर एंड स्मॉलर, बिगर एंड स्मॉलर, सो दीज आर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ sp2। नाउ दीज sp2 कंबाइन विद cl, दैट टू पी ऑर्बिटल। अब cl की s नहीं है, जो हाइड्रोजन के केस में हम यहां s ऑर्बिटल बना रहे थे, अब यहां पे p ऑर्बिटल कंबाइन करके ओवरलैप बनाएगी। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो p ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड नहीं है इसलिए यहां पे सेंटर में लोब नहीं है, ये हाइब्रिड है इसलिए यहां पे हम सेंटर में लोब बनाते हैं, हेयर ऑल्सो p ऑर्बिटल। सो दिस इज फॉर cl, ये एक cl है, ये सेकेंड cl है और ये थर्ड cl है, और जो ये सेंटर में है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं किसकी, बोरोन की। तो जो स्ट्रक्चर बना वो ट्राइगोनल बना, जिसको हम सिंपली अगर रिप्रेजेंट करें ज्योमेट्री को, तो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, टोटल sp2 अगर 100% है, टोटल 3 से 100% बनेगा, मीनिंग हर ऑर्बिटल का यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, एस का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 33% और पी का, दोनों पी का मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 66%। तो ये करेक्टर भी पूछा जाता है कि sp2 में कितना करेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं। इसका अगर एक क्विक रिकैप बोलें, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, एग्जांपल इज BeCl3, दिस इज द डायग्राम। यहां पे पहले लिखा ग्राउंड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट जो कंबाइन करेगा 3 सिंगली फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एंड फॉर्म 3 sigma BCl bond, they have trigonal planar geometry. In this video we will going to discuss about the sp3 hybridization. In case of sp3 hybridization, 1s orbital and 3p orbital overlap, the valence electron of these s and p over
ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. सो वी कैन से इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन फोर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व. वन इज द s ऑर्बिटल एंड थ्री इज द p ऑर्बिटल. इफ वी डिस्कस व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच ऑफ वन ऑफ देम, देन s ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूट 25% एंड p ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूट 75%. और वी कैन से इन sp3 25% इज द s करेक्टर एंड 75% इज द p करेक्टर. सो जो हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं कि एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है और थ्री p ऑर्बिटल जो फॉर्म कर रही हैं फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अब नाउ सिंस फोर ऑर्बिटल्स आर देयर, नाउ दे फोर विल अलाइन देमसेल्फ इन अ टेट्राहेड्रल डायरेक्शन. तो जैसे हमने दो ऑर्बिटल के केस में पढ़ा लीनियर शेप होगी, जब फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी दे विल टेक अ टेट्राहेड्रल शेप इन ऑर्डर टू फॉर्म अ स्टेबल ज्योमेट्री एंड द एंगल बिटवीन देम इज 109.5 डिग्री. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है. ठीक है, अब वो कैसे फॉर्म होगी वो हम डिस्कस करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ CH4, सो कार्बन इज द सेंट्रल एटम, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2. अगर बॉक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये 2s2 है एंड दिस वन इज 2p2. एक्स एंड वाई में देयर इज इलेक्ट्रॉन इन इट. नाउ इन द एक्साइटेड स्टेट, ये कौन सी स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है. जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन को इसमें शिफ्ट करेंगे अब ये एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी. कितनी एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो गई, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर देयर, फोर ऑर्बिटल्स. अब ये शिफ्ट हो गया इस ऑर्बिट में. ठीक है, सो नाउ फोर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट. नाउ हाइड्रोजन हैविंग कॉन्फिगरेशन 1s1 मीनिंग दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट. सो नाउ ईच sp3, ये 1 2 3 4 फोर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई, कौन कौन सी, 1s की और 3p ऑर्बिटल्स विच टुगेदर फॉर्म sp3. तो हर एक sp3 का पार्ट है. तो नाउ ईच वन ऑफ देम कंबाइंड विद 1s ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन. सो देर आर फोर हाइड्रोजन एटम मीनिंग देर आर फोर दीज काइंड ऑफ शेल्स प्रेजेंट. सो वन कंबाइन विद दिस, दिस टू, देन थ्री, देन फोर. सो अगर मैं कंबाइन फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूं तो इट इज लाइक दिस, वन एंड पी के थ्री ऑर्बिटल्स हैं, ये कार्बन के हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड द सिमिलर वे हाइड्रोजन जो कंबाइन हुआ और फॉर्म बॉन्ड हुआ तो वो इस तरह से आएगा. सो नाउ CH4, 1 2 3 4, फोर बॉन्ड्स इज कार्बन फॉर्मिंग. दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड विद हाइड्रोजन, थर्ड बॉन्ड एंड द फोर्थ बॉन्ड. सो अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलूं, सो 1 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन कंबाइन विद 1s ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. सिमिलरली 3 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन कंबाइन विद 3 हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल टू फॉर्म 4 CH सिग्मा बॉन्ड. तो वो जो बॉन्ड फॉर्म होगा s और p की ओवरलैपिंग से दैट इज द सिग्मा बॉन्ड. सो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि कैसे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से एक बिगर और स्मॉलर लोब बनाता है, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, दिस इज सिंपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंटेशन फॉर द कार्बन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थी. नाउ दे कंबाइन विद h, 1h के 1s के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बनाया, अगेन दिस वन विद हाइड्रोजन, दिस इज द ओवरलैपिंग पार्ट. सो देर आर फोर CH, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ तो इस तरीके से है CH4 और
हर एक बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द एंगल दैट सेम इन VSEPR 109.5 डिग्री. In this video, we will going to discuss about sp3 hybridization. So the example for this hybridization is PCl5. So we'll take the example to explain this type of hybridization. So first of all, write the electronic configuration of phosphorus in the ground state. Phosphorus atomic number 15. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 and 3d orbital is empty. So if in box form we will write it like this, this is only for valence orbital. So s is the orbital layer, so it is 3s2. In case of 3p3 and in case of d we have a 5 orbital, xy, yz, zx, x square minus y square and z square, 2, 3, 4, 5. So this is the ground state for the phosphorus. So now in the excited state, this electron will jump into the d orbital. So now there are 5 orbitals which are half filled. That is, one is s, 3 from the p and 1 from the d, that is sp3d orbitals are involved in the bonding. Now these half filled orbitals overlap with half filled chlorine orbitals. So for example, this one is chlorine, atomic number 17. Configuration likhenge to 3p5 aayega, 5 mein ye half filled orbit hui. Now this overlap with this one. Similarly, if there is 5cl, so 5cl combined with each one of them, 1cl with this one, 2, 3, 4 and 5. So we can say in case of PCl5, the 5 sp3d orbitals, these are 5, 1, 2, 3, 4, 5, these 5 sp3d orbitals overlap with the singly occupied p orbital of Cl. अभी Cl का हमने discuss किया, 3p5 होता है, तो इसमें एक orbital singly filled है. So these 5 orbitals overlap with the singly filled p orbital of chlorine and easily form 5 pCl sigma bond. तो इसमें 5 phosphorus और chlorine के sigma bond form होंगे. So if we discuss the structure, geometry, then geometry for the 5 bond is trigonal bipyramidal. This one is Cl, Cl, Cl. So in this geometry, there are two angles are there. One is for this trigonal, that angle is 120 degree. And one angle for this PCl, that is 90 degree. So we can say there are two type of angle. Similarly, two type of bonds are there, which is present on this triangular base is known as the equatorial bond. Or jo poles pe present hai, they are known as the axial bond. So in case of PCl5 having sp3d hybridization, so structure is, geometry is trigonal bipyramidal. In this case, two angles are there, 120 degree and the 90 degree, and bonds are equatorial, three bonds are equatorial and two bonds are axial bond. So as we discussed, these three are the equatorial bond and these two are the axial bond. Now axial bond experience more of the repulsion, due to which they are slightly longer than that of equatorial bond. अगर हम ये PCl bond की bond length लें और this Cl की bond length लें, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है because of this greater repulsion. So generally PCl5 easily break हो जाता है PCl3 plus Cl2. तो वही axial bond ही हैं जो easily break कर जाते हैं and this reaction occurs. That is the reason why PCl5 is more reactive, because it can easily release chlorine gas by the breaking of these axial bond.
In this video, we will discuss the sp3d2 hybridization by taking the example of sf6. So first of all, we will write the electronic configuration for sulfur, atomic number 16, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, and 3d orbital is completely empty. So if in box form, we will write these only outer orbitals, valential orbitals. So it is 3s2, then 3p4. 1, 2, 3, 4, and d orbital is completely empty. This one is the ground state of the sulfur. Now, what happened in the excited state? These pairing will jump into this d orbital. This is 3s, 3p, and 3d. So, now the new configuration for the excited state is like this. Total 6 orbitals are completely half filled orbitals. So 1 from 3s, 3 from 3p, and 2 from 3d. So now new set of hybrid orbitals formed, that is sp3d2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 set of orbitals are now available for the bonding. Now since 6 orbital are half filled, so it required 6 more atoms to combine with it. So now fluorine configuration, atomic number 9, 1s2, 2s2, 2p5, again p orbital having one electron less. So now each orbital combined with one fp orbital, each sp3d2 orbital combined with one orbital of p. So total 6 fluorine atom is there. So each one of them combining with this is a 2p orbital containing one electron which easily overlap and make a bond. So total 6 sf sigma bond are formed. 6 sf sigma bond are formed. Now, if we discuss what is the geometry in this case, so geometry for the 6 atom will be like octahedral. Center mein S hai, pehle toh ye square kind of structure, F, 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 fluorine, and now these two axial kind of. So, this is known as octahedral geometry for SF6, and if we talk about the hybridization, then it will be sp3d2.